जी लास्ट रहेगा। वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मेंस्ट्रुएशन का 3D। एक चैप्टर को थोड़ा सा समझते हुए ये कि अब की जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा आप लोग इसके फॉर्मूले बताते चलेंगे। कारण ये कि 2D और 3D कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फॉर्मूले का रहता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा उलझते हैं आप लोग, तो हर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही है, बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना। मगर फार्मूला अगर इसे कहते हैं फ्लो में है आपका तो थोड़ी सी चेंज बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन और आप देखें और थोड़ा सा पढ़ें तो, और हर में फार्मूला आप हमको बोलते रहें, हम क्वेश्चन के आसान से फार्मूला जो है लिखते रहें। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन किसका घन है भाई, क्यूब। आयतन कितना है 5,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, हो जाएगा। देखो भाई सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट में जैसे कि मान लिया कह रहा है कि एक घन है, हमको घन तो मालूम है नहीं, तो हमने कह दिया कि जो आपने घन दिया है ये घन है भाई, मान लिया एक घन है ठीक। अब इस घन की प्रत्येक भुजा ए है, तो अगर प्रत्येक भुजा जो दिया है उन्होंने हमें ना घन का भुजा तो मालूम नहीं है, इसने कहा हमने घन, घन की प्रत्येक भुजा ए है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब। हमारे हिसाब से उस घन का आयतन ए क्यूब हुआ और उनके हिसाब से कितना है 5,800। तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू बताइए जल्दी, अब फुट क्यूब करिए तो कितना कर दे 5,832। दो से शुरू कर रहे हैं भाई, 2, 9, 1, 6, 2 से शुरू किया 1, 4, 5, 8, 2 से शुरू किया 7, 2, 9 ठीक ठीक है ना, कितना कर दें 18 ना तो भाई 729 है, 81 का वो है ना, 81 × 2 तो 3, 9 का वो कर दिया, अब 3-3 के चक्कर में हम नहीं पड़े ठीक है। अच्छा देखो भुजा यानी जो माना था उसकी भुजा ए 18 सेंटीमीटर आई और क्या पूछा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर ठीक। तो 6 ये हो गया, ए की जगह कितना कर दे 18 का स्क्वायर कितना, ए की जगह ये लिख दिया कितना 324 ना भाई। अब देख लो भाई कितना आ जाएगा, 24 को 4 ये दूना 12 14 1900 ठीक है ना भाई। अगले पे आ जाए पढ़िए तो देखो भाई इसके फॉर्मूले थोड़ा सा फ्लो में रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन आप लोग के इसमें आते हैं SI या वो बस इसी से रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। 729 कितने लोग समर्थक हैं भाई इनके, कह रहा है 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु के घनाकार घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। देखो भाई अगर किसी चीज को पिघला के उसी आयतन का दूसरा चीज बनाया जाएगा तो उसका भी आयतन वही नए वाले का होगा जो पुराने वाले का होगा। तो सबसे पहले हमने कहा पुराने का आयतन कितना हो जाएगा, इन तीनों का जो भुजाएं हैं तो जो घनाभ है उसका आयतन हो जाएगा 1 × 9 × कितना है भाई ठीक। अब इसी आयतन का क्या बन, प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो हमें मालूम है घन की प्रत्येक भुजा ए होगी, तो हमने का जो नया घन बना उसकी प्रत्येक भुजा ए है, अगर ए है तो हमारे हिसाब से उसका आयतन क्या हो जाएगा ए क्यूब और जो कि इसी के बराबर है घन का संपूर्ण। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ 9 ठीक है, और फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस फिर कितना 6 ए स्क्वायर
सिक्स ए स्क्वायर का मतलब 9, यानी 81 इंटू 6 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 481 भाई, 729 नहीं। अगला देख लें, फॉर्मूला बेस्ड, घन का आयतन दे रखा है, किसी घन का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपकी उसका। देखो भाई, हमने मान लिया फिर जो घन दिया उसकी भुजा ए है, अगर भुजा ए है तो उसका क्या चीज आयतन हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और इन्होंने दे रखा है कितना, 81√3 cm³। ए की वैल्यू बताइए, हाँ पहले ए की वैल्यू बताइए, हाँ √3 कैसे भैया, भाई ये देखो ऐसे हो जाएगा ना, देखो ये ऐसे होगा ना भाई, देखो 9 × 9 = 27, ये 81√3 है ना। एक ही देखिए भाई, हमको तीन में से एक लेना है तो बस देखो भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, एक तो इसमें ले लिया, अब 3 को 3√3 रूट नहीं कर सकते, रूट ए आएगा ना, 3√3 ए बराबर ये रहेगा ना, ठीक। और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 6a² तो हमने कहा 6 और ए स्क्वायर की जगह कितना कर दें, 3√3 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 9 = 27। देखो भाई सही है ना, पढ़े अगला फॉर्मूला बेस्ड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें क्या, चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर पढ़ा हुआ है कि नहीं, 1800 की भाई देखो, कह रहा है एक घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 lb bh और hl, जहां lbh लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, तो 2 lb कितना हो जाएगा, 300 सीधे लिख रहे हैं भाई, और bh कितना हो जाएगा, कितना 120, और भाई वो कितना हो जाएगा 100, तोड़ दें सब, 300 400 500 580, और 580 गुणे तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। देखो ये फॉर्मूला, ये हमने कहा कि अच्छा देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, याद करने से याद नहीं होता, खास तौर से 2D 3D के, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक, अप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक वो याद होने वाला नहीं भाई, वो जितना भी रटो कंफ्यूजन रहेगा कि एल है कि एच है कि क्या है। अगले पे आए, देखो भाई एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना, विकर्ण का फॉर्मूला भूल गया भाई, देखो यहां भूल गया चलेगा, एग्जाम से पहले हर चैप्टर के फॉर्मूले कम, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है
सीधे अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन इसके फॉर्मूला बेस्ड हैं, और फॉर्मूला हमने कहा तभी आप याद रख पाओगे जब क्वेश्चन पहले से आपने किया है, आप रट के जाओगे तो नहीं अप्लाई कर पाओगे सब से। और जितना इजी चैप्टर ये लगेगा फिर इतना कोई नहीं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से प्रॉफिट लॉस में से यही सब में से आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन मान के चलिए मेंसुरेशन और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में से 10 क्वेश्चन मान मिनिमम मान लीजिए 8 से 10, ठीक है। चलिए भाई, एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर इतना है, तो घनाभ का विकर्ण कितना भाई, बस सीधे लिखो ना एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यही तो होगा ठीक है ना भाई, कितना 400 फिर कितना 25 और भाई 16 कितना कितना कर दें 21, मगर कह रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, यही तो हुआ। अच्छा घन के विकर्ण की लंबाई, घन की भाई देखो बता रखा था कि अगर वर्ग है भुजा ए है और घन है ये क्यूब टाइप का ये, और इसकी भी भुजा ए है, तो हमने कहा था इसकी जो भुजा है भुजा में रूट 2 और इसकी भुजा में रूट 3, बस यही विकर्ण हो गया इसका, ठीक है। अगला चलिए देखो भाई, ईंट की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन खूब आता है, अब ये है तो बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो वहां पे वही ईंट से सर पीटते फिरोगे आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। आठ मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 22.45 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन कर लेंगे कि पहले बता के तब करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है भाई, अधिकतर दे देते हैं ईंटों की संख्या। सुन लो पहले, मान लीजिए कि ये एक पिलर खड़ा करना है ईंट का, ठीक है, यहां से यहां तक ईंट से बनाना है, तो याद रखिए कि अगर ये ऊपर तक हम ले जाएं तो जो इसका आयतन होगा वो छोटी छोटी कुल ईंटें मिला के ही तो होगा ना, यानी पूरे पिलर का आयतन इन मान लीजिए इतनी छोटी छोटी ईंट हम लगा रहे, एक तो ऐसे रखे फिर ऊपर तो न जाने कितनी ईंटें लगेंगी इस तरह की, तो वही तो कह रहा है। तो हमारा ये कहने का मतलब रहेगा तो दीवार का आयतन होगा वो, तो अगर एक ईंट है तो हमने मान लिया इस तरह की x ईंटें लगेंगी, यानी x ईंटों के आयतन के बराबर, यानी दीवार का कुल आयतन बराबर मान लिया कि इस माप की x ईंटें लगेंगी, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सेंटीमीटर में हम बदल दें अगर, तो देखो भाई 8 मीटर की जगह कितना लिख दें 800, फिर कितना 300 और ये कितना कर दें 2250, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा भाई, अब 6400 सेंटीमीटर इतना, तो हमने कहा इस तरह की x ईंटें लगेंगी और इनका आयतन ये चला जाएगा नीचे, तो बस इसी से भाग दे दीजिए आप, कितने से 64 थोड़े आगे बोलिए कितना है 11.25, अच्छा 11.25 है, यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, 100 से 10 पहले ही हटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक थोड़ा सा बताओ भाई, काट कूट के तो कितना हुआ है जी, देखो भाई 1,00,000 कितना है 25,000 ईंटें लग रही हैं, तो सर देखो भाई 8 से काट रहे हैं ये 8 बार ये 100 बार, ठीक है, और 8 से कुछ कट रहा है, रुको भाई 8 से कुछ कट रहे हैं, 6 से काटा हमने काट दिया 6×5=30, 50 बार, क्यों भाई सही है, 22.5 का दुगना सीधे हो रहा है, क्यों 1100 25 और 2200 ये दो ये बच रहा है अभी, फिर चलो 4 बार भाई, ठीक है, और ये कर दिया 25, क्यों अब देख लो भाई ये कितना हो जाएगा 100, एक जीरो बढ़ाया 2 जीरो इधर बढ़ा दिया 1,25,000,
यानी ये दीवार बनाने के लिए याद रखिएगा ये मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारी सेंटीमीटर में, क्योंकि ईंटों की संख्या निकालनी है और ईंटों की संख्या सेंटीमीटर में थी, इसको मीटर में ना कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में। अगला क्वेश्चन कर चुके हैं, बस अब की रेशियो में दे दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। बोले भाई भाई देखो, अनार के पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई चौड़ाई की सेंटीमीटर में नाप नहीं, तो हमने मान लिया लंबाई कितनी हो जाएगी 7x, 5x और भाई 3x, ठीक। और इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अगर हमने इतना मान लिया तो हमारे हिसाब से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का गुणा कितना 35x² प्लस इन दोनों का 15x² प्लस इन दोनों का 30x² और ये किसके बराबर है 11,500। बस बराबर करिए, देखो तो सबसे पहले भाई 2 से इसको उड़ा दे रहे हैं, छोटा होता चला जाए, 5, 7, 5, 1, ठीक है 35, और ये कितना हो गया 50, और 50, 70 और 71x² बराबर 57, 51, ये है ना ठीक। तो x² बराबर बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना बटा 71 हो रहा है, कितनी बार जा रहा है देखिए तो 81, तो x बराबर, और बस काम खत्म। आपसे पूछा क्या इसकी चौड़ाई, चौड़ाई 5x है, तो 5x का मतलब कितना 45 सेंटीमीटर, जो पूछा उससे। अगला देखो, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है भाई LBH, यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है हाँ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक कैसे किया। देखो भाई सीधे कह रहा है कि LBH दे रखा है कितना भाई L प्लस B प्लस H बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। अच्छा विकर्ण क्या होता है L² B² H² देखो भाई हमने कहा कि विकर्ण होता है L² B² और भाई H। अच्छा कह रही थी इसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है तो क्या कह रहा है इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो ये है हमारा विकर्ण और ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पहले बताइए क्लियर है ना ये बात। अब यही दोनों से चीजें निकल आएंगी, तो करते क्या है इसका दोनों का स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे भाई तो बताओ ये क्या मिलेगा, ये स्क्वायर किया और ये स्क्वायर किया, तो हम कहेंगे L² B² H² प्लस 2 क्या चीज, ऐसे कर दें ठीक। अच्छा और दिया क्या है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, यदि इसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, देखो भाई विकर्णों की लंबाई का मतलब हमको ये चीज दे रखा है विकर्णों की लंबाई, यही तो होता है ना L² B² प्लस स्क्वायर का रूट, और ये बराबर कितना है 12, ये हटा दें आप स्क्वायर करोगे
देखो यहाँ पे तो हमने ये कर दिया, पहले ये हमने अपने काम के हिसाब से ये चीज निकाली। अब हमें मालूम है कि अगर जो ये घनाप दिया है उसका विकर्ण ये होगा एल बी और यही इसका रूट ही तो होगा, ये चीज 12 है तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 144। यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर 144 यहां रख दें हम और उसको इधर ले आए बस, तो बताओ 400 में से 144 गया कितना बचा 256। यानी ये पूरा बराबर कितना आ जाएगा 256 और यही चीज हमको निकालना है और ये चीज हमारी आ जाएगी 256। क्वेश्चन ऐसा भाई देते हैं वो लोग ये लगता है तो आ जाएगा मगर नहीं किए हैं तो वहां फंस जाएगी गाड़ी, उसके लिए क्या करेंगे जो दिया है उसका स्क्वायर किया और पहले से ये तैयार रखेंगे कि विकर्ण हमको मालूम है ये है और संपूर्ण पृष्ठ इसका ये होता है ठीक, और ये चूंकि 12 दे रखा है तो यहीं से इसकी वैल्यू पुट किया। और ये याद रखिएगा ये रूट है, रूट बराबर ये विकर्ण है 12, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये चीज इसकी वैल्यू कितने की निकली और ये उठा के इधर लिया और सिर्फ यही चीज चाह रहा था जो कि संपूर्ण पृष्ठ है वही है 200। अगला देखो भाई हारिता समझते हैं आप लोग, धारिता का मतलब होता है उसके अंदर तरल चीज रखने की क्षमता, कितना आयतन है उसका, तो यानी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसी का आयतन निकाल देंगे वही उसका क्या हो जाएगी धारिता ठीक है ना, कितना हो जाएगा 50 मीटर 25 मीटर और 4 मीटर गहरा, ये सीधे आप कह देंगे 50 25 और भाई 4 कितना हो जाएगा एक जीरो और होगा ना। अच्छा ये क्या चीज धारिता वही उसका आयतन, ये भी याद रखिएगा कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक टंकी 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी 1 मीटर गहरी है इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो देखिए अगर टंकी की लंबाई चौड़ाई चाहिए एक एक है तो ऐसी टंकी में जो रहेगा इसका 1 घन मीटर आयतन हुआ, तो याद रखिएगा 1 घन मीटर बराबर 1000, यानी इस टंकी में 1000 यानी 1 घन क्यूब जो रहेगा 1000 लीटर के रहेगा। अब इसमें कितना अगर पानी पूछते तो ये पानी आप निकाल देते धारिता। अगला देखिए भाई दो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। देखो मान लिया अगर ऊंचाई तो हमने मान लिया पहले की 1h और दूसरे की 2h, तो भाई त्रिज्याओं का अनुपात तो हमने मान लिया 2r और 1r ठीक है ना भाई। अच्छा कह रहा उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन कितना होता है बेलन का आयतन बताइए पाई r स्क्वायर h। अब जो r h है रख दीजिए तो हमने कहा पहले वाले का हो जाएगा पाई r की जगह कितना रखें 4r स्क्वायर और h की जगह भाई 1h और अनुपात दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर की जगह कितना है इसका 1r और देखो भाई यही होगा ना, तो जो है काट डालो तो देखो पाई से तो पाई उड़ाया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उठाया, एच से एच उठाया, यहाँ 4 बचा यहाँ 2, दो अनुपाते ठीक है भाई देख लेना ये छोटे छोटे इसी तरह के रहते हैं, जो जो कहा उसी हिसाब से करके कॉमन काटा हमने। अगला
क्वेश्चन क्लियर तो है? हाँ एक ठोस बेलन का आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का आयतन बताओ भाई कितना? धीरे धीरे पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि हमारे ठोस के बेलन का आयतन इतना और इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो हमने कहा ये हो जाएगा कितना? 2000 पाई और एच कितना दे रखा है? आर स्क्वायर और एच की जगह कितना कर दें भाई? 13। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2002 बटे में 13। इसे काटिए देखिए क्या कह रहा है इसके। अच्छा आधार का क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना भाई? पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। बेलन का वृत्ताकार ही तो होगा। जैसे मान लिया ये मान लो भाई बेलन है, ठीक है, यही तो है पाई आर स्क्वायर। तो यही तो पूछ रहा है कि आधार का क्षेत्रफल कितना होगा और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हमें बस यही निकालना है, बस बटे में करिए देखिए कितना आ रहा है। ये कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 2002 में 13 से भाग दीजिए एक बार, कितना बचा? 7 65 5 100 तो है। तो भाई हम नया थोड़ी ना निकालेंगे, बैठ जाएंगे त्रिज्या निकालें ऊंचाई निकालें। हमें मालूम है कि उसका भाई यही तो इसी भाई देखो एक चीज समझना, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लिया ये बोतल है इसका छेद और इसी पे ये खड़ा कर दिया गया बेलन, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ही तो आयतन होता है। तो इसके बेलन के क्षेत्रफल यानी कि किसी वृत्ताकार जो है कोई चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते चले जाओ, छोटी छोटी जो चूड़ी है भाई, कई चूड़ी जैसे पहनते हैं आप लोग, इन लोग आप लोग नहीं, इन लोग चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते चले जाओ। तो अब इसकी जो ऊंचाई बढ़ेगी तो उसी एच से तो हाइट से गुणा करोगे, वही तो हुआ। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई और हमेशा आयतन क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अगला देखो भाई, एक लंबवृत्ति शंकु, देखो भाई शंकु का है थोड़ा सा देखो, तो एक लंब वित्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का क्षेत्रफल बताओ। शंकु का क्षेत्रफल कितना? ठीक, देखो कुछ नहीं होता। अब जैसे कि हमें मालूम है ये बेलन है, तो भाई ये बेलन था और बेलन में अगर उसको ऐसे काट दिया जाए जिसमें आइसक्रीम आप कोन में खाते हो या चुरमुरा या टूटी चूरे, देखो भाई अब इसमें जब देखते हो बड़े ध्यान से समझना कि अगर बेस यही रहे और ये काट दिया जाए इतना एरिया, तो एक दो तीन बचा, तो दो एरिया छील दिया गया, एक ही तो बचता है। तो हमें मालूम है कि पूरे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है और चूंकि इसका तिहाई है तो वही 1/3 हो जाता है शंकु का। और दे रखा तो आयतन कितना है? 462 भाई। इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच हमें मालूम है। क्या पूछा है? आधार का क्षेत्रफल, फिर वही आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो भाई हम पाई आर स्क्वायर को यही रोके रहेंगे और 462 इन और एच कितना है भाई? 12। इसी को काट दो तो 4 एक बार पॉइंट में देखो आ रहा है भाई, तो 14.4 5 की कितनी आ रहा है देख लो कितना,
एक बार गया, एक बार गया 5.5 है, ये है तो 115.5, ठीक है ना। अगला ये किया है अभी, बेलन की जगह शंकु दे दिया है बस, चलिए तो कितना है एक। देखो भाई अगर किसी को इसमें करने में दिक्कत आ रही है तो समझिएगा कैसे, इधर देख लो भाई, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात है h, क्या है h, ये है 2 और 1, और त्रिज्याओं का अनुपात r का 1 और 2, और हमें क्या कह रहा है कि आयतन, आयतन कितना होता है 1/3 πr² h, तो निश्चित है दोनों का यही होगा, बस R और H बदलता रहेगा। तो देखो हमने कहा फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा मगर लिखना है समझने के लिए। R स्क्वायर, और इसका R स्क्वायर का मतलब 1x, तो यानी सिर्फ हमने कह दिया, मान लिया इसको R किया है तो R स्क्वायर भाई, मगर इसका कितना हो जाएगा 4R² तो भाई R मान लिया है तो 4R 2h तो भाई, और इसका सिर्फ h। अब देखो सब चीज कटा, 1/3 πr² r² h और h, यहां बचा कितना 2, यहां बचा कितना, ठीक। और भाई देखो ये तो समझाने का था, नहीं तो आप सीधे 1/3 सिर्फ h और उसी में करोगे, आप काट दोगे। अगला तो बनवाओ हम आ रहे हैं, होटल हम आ रहे हैं, हो जाएगा। यदि गोले का आयतन 4851 cm³ है तो उसका व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा। हमने मान लिया कि जो गोला आपने दिया है उसकी त्रिज्या आर है, अगर त्रिज्या आर है तो बताओ भाई आयतन कितना, आयतन बोलिए, गोले का आयतन क्यूब। देखो भाई 4/3 πr³, और ये वैल्यू दे रखा है कितना 4851, ठीक है। तो देखो भाई आर क्यूब बराबर कितना करोगे 4851, 3/4 इधर पटला, 7/22 ये आया, ठीक है ना, गड़बड़ हो रहा था ये जाता है, एक तो अपने से मीटर जाता है, काटिए पीटिए। तो देखो भाई 22 से जहां दिखाई पड़े निश्चित है 11 से कटेगा कि नहीं, ये चाहे नियम याद है ना कि दोनों का डिफरेंस 11 से कोई संख्या कटने का क्या नियम है। देखो दोनों जो जैसे 8 48 51 है, जोड़ा बना लीजिए, दोनों का डिफरेंस बताइए -4, और इसका डिफरेंस कितना +4, और 4 - 0 तो 11 से कटेगा, तो हमने कहा 2 बार, ये 2 बार, और ये कितना 4 441 ना भाई। अच्छा अब देखो भाई आर क्यूब है और यहाँ पे 3 ठो 2 है, यहाँ पे 3 ठो 21 दिख रहा, तो 21/2, और पूछा क्या है व्यास उसी का डबल कर दीजिए तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, त्रिज्या ही व्यास पूछा है चुकी। अगला फिर से क्या निकालोगे आप, आर आयतन दिया है, आर निकालिए
और आर निकालने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना कितना स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का सरफेस एरिया, भाई 4πr² है। देखिए ये तो थोड़ा सा याद करेंगे आ जाएगा 4πr² यानी, मगर अर्ध गोले का जब पूछते हैं तो 3πr² याद रखिएगा, अर्ध गोले का संपूर्ण। भाई देखो इसको हमने 4/3πr³ बराबर कितना 288, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब बराबर 288 बटे में 3/4, तो 7/2 आर बराबर कितना रहा है, 6 ना, देखो भाई 6 ही कितना भाई, 72 को आधा करोगे तो 36 और एक इधर 6 इधर चला आएगा, 36 दो तो 36 उधर 6 है, 6। और क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr का मतलब कितना हो जाएगा 4, देखो पाई में आंसर है तो पाई को मत तोड़ना भाई, 4πr² की जगह कितना हो जाएगा 36, 36 चौके कितना होता है 72, 144 पाई, कहाँ है ठीक है। अगला देखें 16, एक गोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाया जाता है 0.5, मेरा तार की लंबाई बताइए, बस एक चीज समझिएगा अगर किए हैं तो ठीक, जैसे कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, बॉल है जैसे हम लोग फेंकते हैं वाली, अब अगर उसको पिघलाया गया और पिघला के इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है एक क्या बनाया गया तार, तो देखो भाई तार तो खूब लंबा रहता है अगर उसको अगर सीधा करके आसमान में ऐसे लटका दिया जाए तो छोटा सा काट लो तो एक बेलन के ही रूप का तो होगा, तो यानी जो तार है उसको बेलन की हम आकृति मानेंगे, यानी जो गोले का आयतन है वो तो कुल उस तार के आयतन के बराबर हो, तो क्योंकि गोले का आयतन कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 4/3π और ये कितना 4/3πr गोले का, और चूंकि अब ये तार जो है ये बेलन के रूप का है सिलेंडर, और इसकी त्रिज्या कितनी है 0.4 सेंटीमीटर, तो हमने कहा कि इसका होगा पाई और r² की जगह कितना कर दे 0.4 का होल स्क्वायर, पाई r² और h हमको यही भैया निकाल, ठीक। देखो सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल आप कर दो, ठीक, अब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, 6 × 6 × 6 कर दो और इधर कितना कर दे भाई 16 और ऊपर कितना कर दें हम 2 0 कर दें ऊपर, ये नीचे आएगा ना 4 × 16 कर दिए और 0.5 था तो चूंकि ऊपर काट के देखिए कितना आ रहा है, तो 4 से तो यही कट गया 4 बार, 3 से ये कितना 2 बार और फिर से 2 बार करा तो 3 × 9 = 18, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है 100 से भाग देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर आएगा ना, क्योंकि मीटर में पूछा है तो 100 से भाग जाते हैं आप, देखो किसी गोले का आयतन इतना तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, आर निकाल लेंगे आप और क्षेत्रफल का मतलब क्या सरफेस 4πr², आर बताइए कितना होगा इसका जल्दी से 4/3π, पाई की जगह कितना कर दें पाई r³ बराबर कितना दे रखा है 4,851, देखो भाई r³ बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4851 ×
तीन बटा चार, सात बटे बाईस। अभी किया है क्या ये अलग क्वेश्चन, क्या था क्या अभी इस तरह का, अभी कटा तो था इसी तरह। चलो भाई इसको काटो उससे, तो ग्यारह से काट रहे हैं भाई, चार चार एक, फिर तो वही आया आर बराबर कितना आ रहा, इक्कीस बटा दो, फिर वही कर देंगे। अच्छा उसमें वो पूछा था आपसे त्रिज्या कि व्यास पूछा था, इसमें फोर पाई आर की जगह कितना कर देंगे, फोर बाईस बटे सात, और आर स्क्वायर कितना कर दें, इक्कीस गुणे इक्कीस बटे में चार, चार से तो चार कस रहा, इक्कीस से कितना तीन, कितना हो जाएगा छः, जी भाई ठीक ना। अगला देखो भाई, गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है ठीक, तो गोले का आयतन का अनुपात का मतलब ये हुआ कि चार बटा तीन पाई आर क्यूब ये, और इसी तरह ये ठीक, तो चार बटा तीन आर क्यूब बचेगा, आर की जगह कितना आ जाएगा चार, और ये कितना पांच, यानी त्रिज्याओं का अनुपात चार पांच होगा। अब पूछा का है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो फिर हम पाई आर स्क्वायर क्या निकालेंगे, फोर पाई आर स्क्वायर, तो फोर पाई तो दोनों कैंसिल होगा, आर स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा सोलह और पच्चीस है ना, अनुपात की जगह इसको आए। अगला देखिए, ये देखो अच्छा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बड़े आराम से पढ़िएगा। किसी लंब वृत्ति शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग कितना है, देखो भाई शंकु अगर ये है ठीक है, तो देखो भाई ये एच है, ये आर है, ये एल है, और किसका किसका योग उनचास है, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, यानी आर प्लस एल बराबर कितना है ठीक है। आगे पढ़िए, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए ठीक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल बोल रहा है भाई, देखो अगर सिर्फ पृष्ठीय बोलता तो होता पाई आर एल, अगर कुल बोल रहा है तो नीचे वाला ढकना भी चाहिए, जो आइसक्रीम की कोन होती है तिरछा वाला, और जिससे आइसक्रीम का गोल वाला ढका रहता है जो चाट के हम फेंकते हैं वो गोला वाला ढक्कन, वो कितना पाई आर स्क्वायर, और वो कितना है 1848। अच्छा देखो भाई इसमें कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखा है 49, इसकी वैल्यू 49 दे रखा है, तो हम सिर्फ पाई आर बराबर कह दें 1848 बटे में, ये काटिए पीटिए तो, और आर की निकल आएगी 22 बटे 7 भी इधर ले आइए, यानी 7 बटे 22 कर दें, ये भी चला गया, आर की वैल्यू यहीं से चली आएगी, 7 से 7 ये कट गया, और ये कितना कट रहा भाई, एक दो बार जाएगा ना, 11 से काट रहे हैं एक बार और सात छह बार, आठ बार देखो भाई, और फिर आठ चौदह आ रहा देखिए तो, हाँ देखो भाई कहीं छह आ रहा कि चौदह आ रहा, देखो हम गलत कर दिए क्या, गलत छह आ रहा, देखो भाई एक बार चेक करो तो,
कितना छे काटे हम भाई 1448 गुणे 7 बटे में ये 22 था, उधर कितना था 49, यही था ना। देखो भाई सबसे पहले हमने 7 से इसको उड़ा दिया 7 बार, और 11 से अगर ये काटे, 11 से कट रहा है कि नहीं, हाँ, और 16 में से 5 कट रहा है 11 से, देखो 2 बार, और ये कितना पहले 1 बार, 7 बचाना 74, 74 का मतलब 1, 74 में से 6 कितनी बार 8 है तो सही, और फिर यहाँ 7 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, फिर 7 से काट रहे हैं, 7 दुना 14, 7 चौक ठीक, और ये फिर 12 सही, 12 आ रहा है, 14 नहीं 12 है, ठीक है ना। अच्छा देखो भाई 12 क्या आया त्रिज्या, अब देखो ये हमारी हो गई कितनी 12 ठीक। अच्छा अब यहाँ पे हमें R प्लस R बराबर 49 है, R की वैल्यू मालूम पड़ गई, तो L बराबर घटाइए कितना 37, यानी ये देखो 37 आ गया। H निकाल लोगे पाइथागोरस से, 37 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दो, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, और 7 × 21 = 42, 43 × 44 = 46, 40 × 6 = 4, 9 × 10 = 11 × 12 = 13, देखो कितना रहा, और इसमें से कितना हटा दें 144, 5 × 2 37 सही आया है ना भाई, देख लो तो पाँच दो 225 भाई, 225 का मतलब ये कितना आ गया 15 ठीक है, और पूछा क्या है इसकी ऊंचाई, अगर गड़बड़ आ रहा भाई 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं गड़बड़ किया हम लोगों ने, देखो तो भाई थोड़ा सा एक बार, हाँ कितने से 144 कितना आ रहा हाँ। अच्छा एक हम लोग इसी में से कर दिया 1369 में से 105221, यानी 5 इसका और कितना जाएगा 35 होगा ठीक है ना, और पूछा क्या है ना 35 ये गड़बड़ का, ये एक हम इसी में से घटा दिए ये वाला, लास्ट देखिए तो पोल की ऊंचाई कह रहा है एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दे रखा है ठीक है भैया, पोल का वक्र पृष्ठ बताओ कितना होता है पाई आर स्क्वायर कितना है 132, और आयतन कितना 500 सही लिखा है हमने, ये आयतन लिख दिया भाई, तो इसको कितना कर दें 528, ये है वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2π 100 ठीक है, आगे बताएं क्या पूछा है, पोल की ऊंचाई बताइए, दो मिनट रुक जाओ, बोतल भी दो मिनट रुक जाओ, देखो भाई एक काम करेंगे आप लोग, ये हमें 2πRH है, तो बताओ पाई आर एच बराबर कितना कर दे आप, कर दें इसका 66,
अच्छा पाई आर एच बराबर छात्र देखो पाई आर एच दिया ही है, यानी एक आर हटा दें तो इसकी वैल्यू 66 आर कर दें, यानी इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 66 आर बराबर 500, तो आर बराबर तो आएगा आर, हमसे पूछा है पोल की ऊंचाई, आर की जगह फिर वो रख दो, ठीक है हा? बना लीजिए आंसर करो, आर निकल आएगा, जब आर निकल आएगा तो एच निकल आएगा, वहां से कहीं से भी एच रख दीजिएगा, इतना क्लियर।